अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं आपको बताता हूँ बारेन में आप ड्राइविंग लाइसेंस कैसे निकालोगे। सबसे पहले आपको जाना है ईसा टाउन, वहाँ पे ड्राइविंग स्कूल है, वहाँ पे आप जाओगे। वहाँ पे जाने के बाद आपको टोकन निकालना है, टोकन निकालोगे आपको फर्स्ट टाइम 5BD पे करना है। 5BD पे करके आपको वो लोग भेजेंगे आई टेस्ट रूम में, वहाँ पे आपका विजन टेस्ट होगा। उसके बाद आपको वापस हॉल में आना है, हॉल में आके आपको वापस से एक टोकन निकालना है। टोकन निकाल के वापस से आपका जैसे नंबर आता है आप काउंटर पे जाओगे, वहाँ पे आप 22BD पे करोगे। 22BD आप जैसे पे करते हो वहाँ पे, तो वहाँ पे आपका लर्नर लाइसेंस इशू होगा। लर्नर लाइसेंस इशू होने के बाद आपको वो लोग बोलेंगे एक क्लास बुक करने के लिए, थियोरी क्लास बुक करने के लिए एज पर योर डेट और आपके टाइमिंग के हिसाब से। आप वो डेट के लिए अगर आप थियोरी क्लास बुक करते हो, आपको फिर उस डेट पे थियोरी क्लास जाके अटेंड करना है। थियोरी क्लास में बेसिकली लोग रोड साइन का बताएंगे, रोड सेफ्टी के बारे में बताएंगे और थोड़े बहुत क्लिप्स जहाँ पे रोड एक्सीडेंट होते हैं उससे अपन कैसा बच सकते हैं, रोड सेफ्टी अपन कैसा कर सकते हैं, वो सब चीज़ के बारे में लोग थोड़ा डिटेल में बताएंगे। थियोरी लेक्चर आपका होने के बाद आपको उन लोग बुक इशू करेंगे जहाँ पे आपका और इंस्ट्रक्टर का साइन होगा एवरी ट्रेनिंग के बाद। और उसके बाद आपको उन लोग बोलेंगे कि आप इंस्ट्रक्टर हायर करें आपके लिए, आप लोग के लिए। तो आपको अगर ऑनलाइन करना है तो आप barren.bh से भी कर सकते हो, या तो फिर आपको वही ट्रेनिंग स्कूल में ही आपको बहुत सारे इंस्ट्रक्टर बाहर ही मिल जाएगा। अगर नहीं भी है, अगर किसी को मेरा इंस्ट्रक्टर चाहिए जिससे मैंने सिखाऊँ, तो मैं आप DM कर सकते हो, मैं इंस्टाग्राम पर आपका डिटेल आप लोग से शेयर कर दूंगा, ठीक है। जैसे आप ट्रेनिंग के लिए इंस्ट्रक्टर बुक करते हो, फिर आपको 22 आवर्स की ट्रेनिंग लेनी होती है, क्लासेस लेनी होती है, और 1 आवर का आपको 7BD पे करना होता है। और डेली आपकी मैक्सिमम 2 आवर्स की ट्रेनिंग होती है, उसमें आपको 14BD पे करना है कैश या तो बेनिफिट पे डायरेक्ट इंस्ट्रक्टर को, ठीक है। जैसे आपकी 22 आवर्स की ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है आपका फाइनल ड्राइविंग एग्जाम्स के लिए। तो जैसे आप वो बुक करते हो, आपको वापस से 16BD पे करना होता है उसके लिए। जिस दिन का आप बुक करोगे उस दिन आपको 30 मिनट्स पहले आप जाके ड्राइविंग स्कूल में आप वेट कर सकते हो वापस से सेम हॉल में। जैसे आपका नंबर आता है, आपको ऑफिसर के साथ जाना है, गाड़ी में बैठना है। गाड़ी में बैठने के टाइम पे वो ऑफिसर पहले बैठेगा, फिर आपको बुलाएगा। फिर जैसे आप बैठोगे अंदर, सेम चीज़ आपने जो भी लर्न किया है क्लासेस में आपके, जैसे आप बैठोगे तो फर्स्ट आपको बैठते साथ सीट एडजस्ट करना है, सीट बेल्ट पहनना है, गाड़ी स्टार्ट करना है, स्टार्ट करने के बाद तीनों मिरर सेट करना है सेंटर राइट लेफ्ट, और फिर आपको हैंड ब्रेक रिलीज करके ड्राइव पे डाल के फिर वो बोलेगा स्टार्ट, तो आपको स्टार्ट करना है। जो आपको ऑफिसर बोलेगा वैसा आपको ड्राइव करना है। वो राइट बोलेगा, राउंड अबाउट बोलेगा, यू टर्न बोलेगा, लेफ्ट बोलेगा, ब्रेक बोलेगा, वो हिसाब से आपको चलना है। अगर वो राइट बोला तो ऐसा बहुत सारा केस होता है, राइट बोलता है ऑफिसर और पब्लिक राइट लेफ्ट निकल जाती है, तो ऐसे भी बहुत सारे होते हैं। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो वो फेल कर देता है, वापस से ड्राइविंग स्कूल में लेके चले जाएगा। सो पहले आपका ड्राइविंग स्कूल में एक टेस्ट होगा, अगर वहाँ पे आपका टेस्ट क्लियर हो गया फिर वो आपको लेके जाएगा बाहर ड्राइविंग स्कूल के। वहाँ पे जो ड्राइविंग स्कूल के जो सामने वाला हाईवे है वहाँ पे आगे आप थोड़ा देखो राउंड अबाउट है, वहाँ वो लेके जाता है। राउंड अबाउट लेने बोलेगा, यू टर्न वहाँ से लेना है आपको, आपको वापस यू टर्न लेके ड्राइविंग स्कूल में जाना है। वहां तक आप पहुंच गए तो ऑलमोस्ट आप पास हो गए। अब लास्ट आपका एक बचेगा, वो रिवर्स पार्किंग का। वो आपको लेके जाएगा पार्किंग लॉट में, आपको बोलेगा रिवर्स पार्क करो। रिवर्स पार्किंग के लिए उन लोग 3 चांस देते हैं अपन को। तो फर्स्ट में अगर आपकी गाड़ी बराबर नहीं लगती है तो सेकंड चांस, सेकंड में नहीं है तो थर्ड में अगर नहीं लगे तो आप वापस फेल हो जाते हो। बहुत सारे लोग पास हो जाते हैं सब चीज में, बट रिवर्स का जब टाइम होता है तो रिवर्स में लोग फेल हो जाते हैं। एनीवेज, तो अगर आप रिवर्स में भी लेते आप पास हो गए, आपको वो बोलेगा ओके ठीक है ड्राइविंग स्कूल है वहां पे लेके चले जाओ। वहां पे आप लेके जाओगे तो आपको एक वो रिसीट देगा जहाँ पे लिखा रहेगा कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर पास्ड, और फिर आपको वापस से हॉल में जाना है वो रिसीट लेके, और आपको वेट करना है वहां पे। फिर आपको वो लोग बुलाएंगे, वहां पे आपको 20BD पे करना है। 20BD पे करोगे आप, वहां पे आपको पक्का लाइसेंस आपका मिल जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस आपको पक्का मिल जाएगा। सो टोटल सबसे पहले आप जब जाओगे, सबसे पहले आपको 5BD पे करना है विजन टेस्ट का, सेकेंड आपको 22BD पे करना है, वहां पे आपको ड्राइविंग लर्नर लाइसेंस मिलेगा, उसके बेसिस पे आप इंस्ट्रक्टर हायर करोगे और उसको एवरी आवर का आप 7BD पे करोगे, तो आपको 22 आवर्स का पे करना है। और उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट लेना है आपका फाइनल एग्जाम के लिए, जो आपका ड्राइविंग एग्जाम होगा फाइनल, उसके लिए 16BD पे करना है। आप अगर टेस्ट पास कर देते हो, एग्जाम पास कर देते हो, लास्ट में आपको पक्का लाइसेंस लेने के टाइम पे 20BD लास्ट एक बार पे करना है। सो टोटल 215-220 के आसपास आपका टोटल कॉस्ट हो जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस का। और वैसे आप ड्राइविंग लाइसेंस निकाल सकते हो, वो 5 ईयर्स का बनता है और अक्रॉस GCC उसको यूज कर सकते हो। मेरा ख्याल है UAE के बाद बारेन का ही अच्छा स्ट्रिक्ट लाइसेंस है, और वैल्यू वाइज भी मेरे ख्याल से UAE के बाद पूरे गल्फ में
बार इनका ही लाइसेंस अच्छा है, यहाँ पे इजी लाइसेंस नहीं मिलता है, बहुत सारे लोग 5 बार 6 बार फेल हो जाते हैं। बट अगर आप ऑलरेडी पहले से जानते हो ड्राइविंग करना, जैसे अगर कोई इंडिया से, पाकिस्तान से या कोई भी अपनी अपनी कंट्री में आप ड्राइविंग करते हो, तो आपके लिए मेरे ख्याल से इजी होगा। जो एकदम न्यू है वो एक आध बार फेल हो ही जाता है, बट जिसने ड्राइविंग कर चुका है पहले उसको मिल जाता है फटाफट से, लाइसेंस को मिल जाता है। अभी अब जैसे आप जाते हो ड्राइविंग क्लासेस के लिए स्पेशली, तब आप थोड़ा डरते हो, फिर इंस्ट्रक्टर होता है वो आपको समझाता है, फिर थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आता है, फिर आप चला लेते हो। सीखने के बाद सबसे मेन फियर होता है कि ऑफिसर के साथ बैठना है, अभी क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इंसान जो है वहां पे, अगर बंदा अगर वहां पे डर गया तो वो नहीं पास कर पाता है, वैसा सीन है। अगर डरना नहीं चाहिए उसको, जैसा उसने सीखा है उसकी ट्रेनिंग में वैसे सेम उसको फुल फ्लेज बैठ के आराम से गाड़ी स्टार्ट करना है, और गाड़ी को जैसा वो ऑफिसर बोल रहा है आपको राइट लेफ्ट वो बराबर सुनना है। इतना सारा केसेस है यहाँ पे हम लोगों ने सुने कि ऑफिसर राइट बोलता है और बंदा लेफ्ट में लेके चले जाता है गाड़ी, तो वही वो फेल हो जाता है। तो आपको मेन, सबसे मेन पॉइंट ये है कि ऑफिसर जो इतने लोग प्रो हो जाते हैं, वो जैसे आप एंटर करोगे ना गाड़ी में, जैसे आप बैठते हो, वो आपके बैठने के स्टाइल से ही वो बता देगा ये बंदा पास है या फेल है, मतलब इतना प्रो। सो कॉन्फिडेंस रखो, वही की है, कॉन्फिडेंस रख के बिंदास एकदम बिस्मिल्लाह बोल के आप स्टार्ट करो गाड़ी। जो मैं बताओ, सीट बेल्ट पहनना है आपको, सबसे पहले बैठते सीट एडजस्ट करना है, सीट बेल्ट पहनना है, तीनों मिरर चेक करना है, गाड़ी स्टार्ट करना है और फिर निकलना है, और जैसा आपको ऑफिसर बोलता है वो हिसाब से आपको चलना है, बस दैट्स इट। यही है सारा प्रोसीजर गाइस, और यही इतना कॉस्ट आता है ड्राइविंग स्कूल का, यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस का। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस है तो आप कमेंट करना इस वीडियो पे, तो मैं इंशाल्लाह उसका रिप्लाई करूंगा आपको। और अगर उसके अलावा कुछ और है तो हम लोग को इंस्टाग्राम पे DM आप कर सकते हो, मेरे इंस्ट्रक्टर का अगर आपको नंबर चाहिए तो वो भी मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ इंस्टाग्राम पे। मेरे इंस्ट्रक्टर को अगर आप मैसेज भी करोगे तो वो सॉर्टेड बंदा है, बारे नहीं है, इंग्लिश भी बोलता है, फ्लुएंट अच्छी बोलता है, और उसने ही मेरा सारा अपॉइंटमेंट भी किया था ऑनलाइन, सारा टेस्ट बुक उसने ही किया था। और मेरे केस में ये था कि मेरे को ऑलरेडी ड्राइविंग आती थी गाड़ी, मैं सऊदी में था इससे 12 से पहले, तो मैं वहां पे भी ड्राइव करता था। इंडिया में कैसा है, राइट हैंड अपन ड्राइव करते, यहाँ पे लेफ्ट हैंड ड्राइव करते, तो उसमें थोड़ा बंदा कंफ्यूज हो जाता है। बट मैं सऊदी में ऑलरेडी ड्राइव कर चुका था, तो मेरे को ड्राइविंग ऑलरेडी आती थी, इसलिए मेरे को लाइसेंस लेना था। तो फर्स्ट टाइम जब मैं गया था मेरी क्लासेस के लिए, तो तभी वो समझ गया था, तो मेरे को उसने पूछा था देखो आता है ये वो जो भी, तो हमने फटाफट हमारी 22 आवर्स की क्लासेस कंप्लीट करा, और फिर उसने मेरे लिए टेस्ट बुक किया। टेस्ट बुक करता है वो बंदा, और फिर आपको टेस्ट के दिन 1 घंटा पहले बुलाएगा वो, ताकि आपका थोड़ा रिविजन हो जाए, स्पेशली आप रिवर्स पार्क करने वो देगा आपको हाफ एन आवर। फिर जैसे आपका टाइम होता है, वो आपको ऑफिस से ड्राइविंग स्कूल में जाना है, हॉल में बैठना है, आपके नंबर के लिए आपको वेट करना है, ऑफिसर आपको बुलाएगा, ऑफिसर के साथ में जाना है और टेस्ट क्लियर करना है, दैट्स इट। वापस बोलो। तो ओके गाइस, ये व्लॉग में यहीं पे एंड करता हूँ, अल्लाह हाफिज, जल्दी वापस।